आज हम शशांक श्रीवास्तव जी के साथ हैं और शशांक श्रीवास्तव जी पहले से केवीएस में पीआरटी में एक गेस्ट टीचर के रूप में रह चुके हैं और एक अनुभव रहा है इंटरव्यू फेस करने का, और इंटरव्यू के दौरान कैसा प्रश्न रहा है और टीचर के साथ कैसे उन्होंने कोऑपरेट किया है, और जब भी हम इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू करते हैं वह उसी का हिस्सा है जो मैंने ये सीरीज शुरू की है, ताकि गांव से जुड़ा हुआ या हर क्षेत्र से जुड़े उन सभी टेट सीट जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो पास हैं, जो केवीएस में एक सरकारी शिक्षक बनने का सपना सोच रहे हैं, उनके सपने में कहीं भी उड़ान में कोई भी बाधा न उत्पन्न हो, इसके लिए सीरीज शुरू की गई है। आज हम आप शशांक सर के साथ हैं, और शशांक जी पहले से केवीएस में हैं और उन अपने इंटरव्यू को भी आपके साथ साझा करेंगे और ये बताएंगे उनके साथ क्या क्या हुआ। सबसे पहला तो ये भी जानना जरूरी है कि डर खत्म हो, क्योंकि इंटरव्यू लोग इतना हगवा बना के रखे हैं, ये होगा या होगा ऐसे होगा, लड़का डर के भी बैठे हुए हैं, बस ये डर आपने निकाला और बस जो आपने एनसीएल 2005, आईटी 2009, नई शिक्षा नीति इसको पढ़ लीजिए, बच्चों कैसे पढ़ाना है उसके बाद आप सीधा सीधा इंटरव्यू फेस करिए, अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन हमेशा याद रखना है हम सभी को कि पूरी जो केवीएस की इंटरव्यू होती है वो एनसीईआरटी के ही इर्द गिर्द होती है, क्योंकि जो हमसे इंटरव्यू लेते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से एनसीईआरटी के किसी न किसी प्रारूप के सदस्य के रूप में रहते हैं और हमारे सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एनसीईआरटी को हमसे बेहतर जानते हैं। और ये भी आप जानिएगा कि केवीएस में टीचर बनने के बाद ऑल ओवर इंडिया को घूमना है, एक सिलेबस एक किताब, मतलब सीबीएसई पढ़ाना है वही बुक पढ़ाना है चाहे जहां से पढ़ाए। आज यूनिट थर्ड यहाँ खत्म हुआ है, आपका तमिलनाडु ट्रांसफर हो गया तो यूनिट चार वहां शुरू करना है, फिर आपका सिक्किम हो गया यूनिट फाइव वहां से शुरू करना है, तो एक किताब एक सिलेबस एक पैटर्न पे काम करना है, तो हमको सीबीएसई के साथ एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है। तो आज हम सबसे पहले तो ये कोशिश करेंगे कि शशांक जी खुद से अपने से बताएं कि कैसा उनका इंटरव्यू रहा और क्या क्या जुड़ा, इंट्रोडक्शन उन्होंने कैसे दिया, शुरुआत अपनी कैसे की, कौन कौन से उन्होंने से प्रश्न पूछे गए, कब उलझे कब सुलझे। खैर शशांक जी अपना परिचय दीजिए और अपने परिचय के साथ शुरू करिए आज का ये सेशन। थैंक यू सर। सर मैं शशांक श्रीवास्तव हूँ, मैं प्रयागराज जिलाबाद से हूँ। मैं केवीएस में जो है गेस्ट टीचर के रूप में वर्क कर रहा था। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक आपने रिटर्न दे दिया अच्छे से, ठीक है। अब आई आपकी इंटरव्यू की बारी। जैसा सर ने हमको कहा कि इंटरव्यू के बारे में बहुत लोगों में डर रहता है कि इंटरव्यू वो कैसा दे पाएंगे। भाई इंटरव्यू में बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल इंग्लिश ही में होगा क्या प्रॉपर, ऐसा नहीं है। वो ये देखेंगे कि आप क्या पढ़ा रहे हैं और बच्चों से कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, और अगर आप बच्चों से कनेक्ट कर लेंगे तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आपकी तरह वहां पे कम से कम, जैसे कि मान लीजिए पीआरटी है, तो पीआरटी के लिए कम से कम नहीं तो 100 से 150 लोग रहते हैं, ठीक है। तो एक डर लग जाता है कि अरे इतने बच्चों में मेरा कैसे होगा। इस डर को बिल्कुल मत सोचिएगा, बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा, क्योंकि हर लोग अपने में एक अलग होता है, ठीक है। हर बच्चा अपने में अलग होता है, इसको आप पढ़े हैं अपने में, ठीक है। तो आप प्रॉपर अपना इंटरव्यू जाइए, आप अंदर जाइए, पूछ करके अंदर जाइए, ठीक है। आपको बैठने को कहेंगे, आप बैठिए, उसके बाद वो आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे, आप अपने बारे में बताइए। अब देखिए, क्योंकि ये केवीएस है तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको इंग्लिश में प्रॉपर इंट्रोडक्शन तैयार करना पड़ेगा, जैसे माई नेम इज शशांक श्रीवास्तव, आई एम फ्रॉम इलाहाबाद, माई पेरेंट्स नेम इज ये, उसके बाद कि मैंने क्या ग्रेजुएशन में किया है, ठीक है। ग्रेजुएशन में मैंने जैसे मान लीजिए जो भी डिग्री किया आपने, बीएससी किया है कुछ भी, उसके बाद बीएड बीटीसी में आपने कुछ भी किया, आप उनको समझाइए, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप इंग्लिश में देंगे आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो ये देखना चाहते हैं कि बच्चा पढ़ा लेगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि अब की बार देखिए डेमो जुड़ गया है, 30 नंबर का डेमो है और 30 नंबर का इंटरव्यू है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो अब आपका डेमो लेंगे, और डेमो में वो क्या करेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि बच्चा कितना इंग्लिश बोल लेता है, मतलब टीचर कितना इंग्लिश बोल लेता है, वो ये नहीं देखेंगे। वो ये देखेंगे कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो ऐसा पढ़ा रहे हैं कि वो बच्चों से कनेक्ट हो जाए। मतलब कि आपको ये नहीं दिखाना है कि आप ज्ञान के भंडार हैं, आपको सब कुछ आता है। एनसीएफ आप पढ़े हैं, एनसीएफ में चीज बताया गया, आप ज्ञान के भंडार नहीं है, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, ठीक है। तो ये आप उनको दिखाएंगे कि आप बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चे में कैसे क्यूरोसिटी डेवलप कर रहे हैं कि बच्चे क्वेश्चन पूछे। तो आप जब भी पढ़ाएं तो ऐसा मतलब माहौल क्रिएट करिए कि एक इंजॉयमेंट, मतलब इंजॉय वाला माहौल हो जाए। और सबसे बड़ी बात, जितने भी इंटरव्यूअर आपने रहेंगे, मतलब जितने भी आपका इंटरव्यू लेंगे, उनसे उनको आप चाइल्ड कंसीडर कर लीजिएगा कि आप भी एक बच्चे हैं, आप पूछ करके कि हाँ क्या मैं आपको चाइल्ड बना सकता हूँ, उसके बाद उनको आप चाइल्ड कंसीडर करिएगा और उनको पढ़ाइएगा, डेमो में आप उनको पढ़ाइएगा। अच्छा, तो उसमें वो क्या करते हैं, जैसे वो बोल देते हैं कि पहले आप उनको ईवीएस का पढ़ाइए। अब आप क्या करिए कि ईवीएस का कोई टॉपिक पढ़ के जाइए पहले से, भाई 3-4 टॉपिक पढ़ के जाइए, एक ना पढ़ के जाइएगा। जैसे आपकी थीम होती है ईवीएस में, कई तरह की थीमें है ना,
तो उस थीम से आप एक एक कनेक्ट कर लीजिए, आप दूसरी थीम से एक तैयार कर लीजिए, ईवीएस का एक तैयार हो गया आपका, ठीक है। ऐसे ही मैथ में आपने तैयार करना है, जैसे मान लीजिए आपको सम और विषम की अवधारणा पढ़ाना है, ठीक है, तो आप सम और विषम के बारे में आप उसको जो है कैसे बच्चों को समझाएंगे या एलसीएम एफसीएफ कैसे समझाएंगे इसको पढ़ सकते हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट का आपको तैयार करना है, ऐसा नहीं करना है कि केवल कुछ तैयार कर लिया, ठीक है। और इस बात को याद रखिएगा क्योंकि ये पीआरटी का इंटरव्यू है, पोयम जरूर पूछी जाएगी, ठीक है, पोयम जरूर पूछी जाएगी, इंग्लिश की भी और हिंदी की भी। और पोयम ऐसा नहीं है कि कुछ भी पोयम आपने शुरू कर दिया, आपको जो पोयम पढ़ानी है ना वो ऐसा पढ़ाना है कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट होने लगे, लेने लगे। तो कुछ ऐसी पोयम आप ढूंढिएगा, बहुत किताबों में बहुत सारी पोयम्स हैं। तो जैसे कि एक पोयम है, हम लोग जब पढ़ाते हैं तो सूरज जल्दी आना जी, छोड़ो आज बहाना जी, इस तरह की एक पोयम है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी से ही आप उसको बताइए कि सर क्लास फोर्थ के एनसीईआरटी में ये पोयम है और मैं ये पढ़ाना चाहता, ठीक है। तो ये सब चीजें आप उसमें जो है डेवलप करिएगा। और एक लास्ट बात मैं बताना चाहूंगा, कभी भी आप टॉपिक पहले मत बताइएगा इंटरव्यू में कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं। आप जैसे मान लीजिए आपको कोई पोयम पढ़ाने को दिया गया, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, आपको पता है ना अज्ञात से ज्ञात की ओर, ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की ओर आपको जाना है। आप अपने पेडोलॉजी में पढ़ते हैं, ये सबका एप्लीकेशन केवीएस में होता है। तो आप एक अज्ञात से, मतलब कि आप बच्चा को ये लगे जो आप बताएंगे ना कि अज्ञात से ज्ञात क्यों ले जाएंगे, तो बच्चे को ये लगेगा कि हाँ क्यूरोसिटी बढ़ जाएगी कि हाँ मुझे ये सीखना है। पोयम में भी यही करिएगा, पहले आपको लिखना नहीं है कि क्या पोयम है, आप शुरू करिए फिर उससे कनेक्ट करके आगे हेडिंग डाल दीजिए। इस तरह से आपको अपना इंटरव्यू देना है, बिल्कुल। शशांक जी ने जो बताया कि मैंने भी कई बार इस वीडियो को चर्चा किया है, सबसे पहले आपको अगर आपने एनसीएफ 2005 आरटी 2009 नई शिक्षा नीति को पढ़ लिया तो आपको यही पता चल जाएगा कि किसी भी टॉपिक, जैसे अगर कहा जाता है कभी कभी इंटरव्यूअर एक मौका देता है कि आप अपने मन से कोई टॉपिक पढ़ाइए, इसका मतलब है आपके झोली में मन्नतें डाल दिया। तो आप भी शुरू करते हैं, जैसे जी आपको सर, भोजन पढ़ाना है तो व्हाइट बोर्ड उठाया, लिख दिया भोजन, काम शुरू हो गया, पोषण शुरू कर दिया, तो वहीं से आपकी मार्किंग हो गई, भैया चलो अब तो आप बड़े बिस्तर पाओ, घर को जाओ। हमें बच्चों से ही अपने टॉपिक को निकलवाना है, हमें सबसे पहले ये बताना, अच्छा बेटा ये बताओ कौन कौन खाना खा के आया है, सर मैं, सर मैं, सर 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 मुझे जल्दी, मैंने खाना खा के नहीं आया, अच्छा क्या खा के आया हो तो बताएं, सर मैंने तो सब्जी रोटी खाया, कोई सर मैं पराठा खाया, कोई सर मैगी खाया, फिर सर मैं क्यों लड्डू खा के आया हूँ, अच्छा खा के आया हो, अरे वाह इसको क्या बोलते हैं पता है, नहीं पता, यही तो हमारा भोजन है, अच्छा सर भोजन है, हाँ इससे क्या होता है, पंखा कैसे चलता है, अरे सर वो तो लाइट से चलती है, लाइट से चल रहा है तो बिजली चलती है, गाड़ी कैसे चलता है, पेट्रोल डीजल से, तो ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे, फिर हम कैसे चलते हैं, सर हाँ ये बात तो है हम भोजन से चलते हैं, हमको किसी जरूरत पड़ती है भोजन, अच्छा भोजन से अगर भोजन ना मिलेगा तो हम बोल नहीं पाएंगे, तो जो हम खाते हैं भूख लगने पर उसको हम क्या बोलते हैं, सारे बच्चे के सर भोजन, तो जहां सारे बच्चों ने बोला अब आपका वो टॉपिक आ गया व्हाइट बोर्ड पे, आपका आ गया ग्रीन बोर्ड पे, अब आ गया वो डिजिटल बोर्ड पर, अब यहीं से अपने टॉपिक की शुरुआत करनी है, कोशिश करना है कि जब बच्चा जो आपके पास है वो सब कुछ जानता है और आपको उठा के उसी ज्ञान को केवल मोड़ के ले चलना अपनी टॉपिक की तरफ, माने बच्चा जो जानता है वही आपका आधार है जिसे आपको पढ़ाना है, जो बच्चा, अगर बच्चा रोटी जानता है तो रोटी से ही आपको भोजन को पढ़ाना है, अगर बच्चा आलू जानता है आलू से ही भोजन को पढ़ाना है। खैर शशांक जी ने इसको बताया, हम शशांक जी से जाएंगे, शशांक जी वो शेयर करें जो इंटरव्यू में इनसे पूछे गए सवाल थे, क्योंकि मैं पहले से ही कहा एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है, और हमेशा तैयार रहिएगा कि आपके विषय जो होंगे वो काफी महत्वपूर्ण होंगे, अगर कविता सुना रहे हैं तो लयबद्ध होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी 2005 कहता है, ऐसा नहीं कि आप शुरू हो गए पता नहीं से गाना गाते वैसे ही हो, लयबद्ध होना चाहिए, और इंटरव्यू कभी कभी उस पर क्रॉस क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक इंटरव्यू की ट्यूटोरियल बनाकर वीडियो हम आपको डाल देंगे, क्या क्या प्रश्न संभावित हो सकते हैं, तो बताइए सर शशांक जी क्या क्या सवाल रहे हैं आपसे। जी सर, पहले मेरा जो क्वेश्चन हुआ था, क्योंकि मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो सबसे पहले उन्होंने मेरा ये क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप मतलब इस बैकग्राउंड से आके टीचिंग में क्यों आए। तो आप बता सकते हैं कि आपका, क्योंकि इंटरेस्ट होता है एक, जैसे आपने कोई कोर्स किया आपका इंटरेस्ट हो जाता है उस फील्ड में, फिर आप उसी में अपना करियर देखने लगते हैं। तो पहले एक क्रॉस क्वेश्चन हुआ कि आपने इंजीनियरिंग के बाद टीचिंग को ही क्यों चुना, ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। और बाकी क्योंकि मैं एक कंपनी में वर्किंग भी था तो उन्होंने कहा आपने छोड़ करके इसको चुना, तो ठीक है। तो आपको यहाँ पहला मेरा ये फेसिंग हुआ, तो आपको तैयार रहना है अपने करियर से, क्योंकि आप पहले क्या करे हैं वहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। सेकंड थिंग, उन्होंने बस इतना पूछा, इंट्रोडक्शन लिया, और उसके बाद उन्होंने हमको मैथ पढ़ाने को बोला, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया मैथ में जो है मैं जो हूँ एलसीएम और एफसीएफ की अवधारणा पढ़ा रहा था, तो मैं मतलब कि देखिए ऐसा होता है कि वो आपको पूरा नहीं सोचते हैं, ये नहीं देखते हैं कि आप पूरा कंसेप्ट जानते हैं कि नहीं जानते हैं, वो ये देखेंगे कि हाँ वो मैथ पढ़ा लेंगे कि नहीं टीचर, ठीक है, वो यही चीज देखेंगे केवल। तो मैं थोड़ा सा पढ़ाया, उसके बाद उन्होंने कहा ओके ओके ठीक है, अब आप ईवीएस पढ़ाइए, ठीक है। तो ईवीएस में मेरा एक टॉपिक, उन्होंने कहा ये बोला नहीं कि आपको क्या पढ़ाना है, बस उन्होंने कहा ईवीएस का कोई टॉपिक पढ़ाइए।
ठीक है, तो ईवीएस में हमने शुरू किया था, मतलब कि परिवहन के जो साधन होते हैं जैसे कि वायुयान हो गया ना, और यही जैसे कि सर ने बताया अभी इसी तरह से कि हाँ आप बच्चे कैसे आते हैं, किस तरह से घर मतलब आप लोग आते हो स्कूल कैसे आते हैं, तो कोई बोलता पैदल आते हैं, पास रहता था तो कोई बोलता था कि मैं जो इससे आता हूँ कार से आता हूँ, तो ये सब चीज़ है। ठीक है, ईवीएस का हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था, हाँ उसके बाद उन्होंने हमसे एक चीज, उसके बाद उन्होंने बैठा दिया मुझको, और बैठाने के बाद एक क्वेश्चन किया उन्होंने, देखिए आपकी पेडालॉजी से क्वेश्चन किया, और पेडालॉजी से क्वेश्चन ये किया कि आपसे ये बताइए कि एक बच्चा है जिसको बोलते हैं, उसको एक अपने टर्म में बोलते हैं कि मतलब जो जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कोई ऐसा बच्चा आपके विद्यालय में आ गया, मान लीजिए आपके विद्यालय में एडमिशन लिया, तो आप उसको कैसे पढ़ाएंगे क्योंकि उसके माता पिता पढ़े नहीं है, और वो घर पे रहता है तो घर पे तो पढ़ाई कर नहीं पाएगा क्योंकि उसको वो माहौल नहीं मिल पाएगा, तो अब आप उसको कैसे डील करेंगे। ठीक है, इसी को इस टर्म में बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लर्नर कुछ करके बोलते हैं, अपने पेडोलॉजी में है भी ये कि जो प्रथम पीढ़ी के जो वो होते हैं, प्रथम पीढ़ी के जो बच्चे होते हैं उन्हें, मतलब उनकी पहले की पीढ़ी पढ़ाई नहीं करी है, अभी वो पहली बार पढ़ाई करने आए हैं, तो उनको आप कैसे पढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी एनसीएफ ने ये कहा है कि बच्चों को विशिष्ट शिक्षा नहीं देनी, विशिष्ट शिक्षा मतलब ये है कि उनको अलग क्लास नहीं बैठाना है, ऐसा नहीं करना है कि उनको अलग क्लास में जाके बैठा दिए पढ़ाए, नहीं उनको उन्हीं के बीच में पढ़ाना है, लेकिन अब उनको आप क्या कर सकते हैं, उनको आगे बैठा दीजिए। ठीक है, उनको आप आगे बैठा दीजिएगा, आई टू आई कॉन्टेक्ट रहेगा उनका, जो एक मतलब वो ये सोचते हैं कि मैं बच्चों से कमजोर हूँ तो वो डर क्या होगा, धीमे धीमे खत्म होगा, क्योंकि आप उनसे डेली आई कॉन्टेक्ट बनाएंगे, डेली उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, उनको शाबाशी देंगे, और उनको लगेगा कि नहीं मेरे ऊपर भी बच्चे मतलब टीचर्स जो है मेरे ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आप बच्चे को आगे बैठा दीजिए, थोड़ा सा उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको, अब आप ये नहीं करेंगे कि उसके लिए नई क्लास शुरू कर देंगे जाकर के, ये सब नहीं करना है, आपको क्या करना है सबको मिला के समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाना है। तो देखिए जब आप ये सब इंक्लूसिव एजुकेशन ये सब टर्म जो आप अपने इंटरव्यू में बोलेंगे ना समायोजित, तो वो समझ जाएगा इंटरव्यूअर कि हाँ ये टीचर पढ़े लिखे हैं और ये पढ़ लिख करके अच्छे कंसेप्ट के साथ आए हैं, तो यही इंटरव्यू में जांचते हैं वो। यस सर, और एक चीज और सर, उसके बाद उन्होंने एक जीएस का उसका क्या बोलते हैं कि जीएस का क्वेश्चन पूछा था, जैसे वो ये पूछ लेते हैं कि हमारे राष्ट्रपति कौन है, जैसे कि अभी राष्ट्रपति है, या हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं मतलब एकदम बेसिक क्वेश्चन जो भी नई भर्तियां हैं ये सब पढ़ के आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीजें सर। तो जैसा कि मैंने शुरू से बताया कि हमेशा जो पूरा फोकस होता है, आपने जो मेन चीज़ है आपका टीचिंग स्किल, वो भी आपके लिए इस बार 30 नंबर का है। मतलब हम ये कह सकते हैं एक बार इंटरव्यू में हमको ये फेस करना होगा हमें कैसे पढ़ाना है। दूसरी बार आपको ये भी समझना होगा कि हम उनके सामने ऑन बोर्ड पढ़ाएंगे तो ये 60 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शॉर्टलिस्ट होने वाली संख्या लगभग 13 से 15 गुना होगी जिनको इंटरव्यू इस टीचिंग स्किल के लिए कॉल किया जाएगा, मतलब उन्हें बुलाया जाएगा। हम यूँ कह सकते हैं कि लगभग 15 छक्का 90, मतलब 90 हज़ार से 1 लाख लोग होंगे जो शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू, और उसकी लगभग ये उम्मीद की जा सकती है कि 15 गुना बुलाएंगे, जहाँ तक 13 गुना या 15 गुना, क्योंकि यही जो रूल है उनका, और 10 गुना भी बुलाते हैं तब भी उनकी संख्या 60 हज़ार होगी। तो 60 हज़ार लोगों में से हर 10 में से केवल आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो इसमें दो बातें होंगी, एक ये होगा कि 180 में किसी को 122 वाला भी बुलाया जाएगा और 180 में 155 वाला भी बुलाया जाएगा। तो जिनके स्कोर कम होंगे उनके लिए टीचिंग स्किल और इंटरव्यू काफी मायने रखेगा, जिनके स्कोर बहुत ज्यादा है उनके लिए बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं करेगा, उनको उनके सिलेक्शन में प्रभाव नहीं डालेगा। तो ये सभी के लिए है, मतलब ये दोनों के लिए, एक का तो स्कोर बढ़ाएगा और एक को क्या करे सेफ जोन में ले जाने का काम करेगा, इसलिए इसे हम इग्नोर भी नहीं कर जी सकते। दोनों बातें ध्यान रखिएगा, जो आपका सिलेबस जो आपका पैटर्न है, केवीएस बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग संस्थान से आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन मेन इसका जो फोकस है वो केवल एनसीईआरटी है। अगर आपने एनसीईआरटी को भली भांति पढ़कर लिया तो केवीएस में अच्छा स्कोर भी करेंगे और अंतोगत्वा इंटरव्यू में बढ़िया स्कोर करेंगे। जो उसकी क्रियाकलाप होते हैं, जो आपने पढ़ा एनसीईआरटी के, जो उसकी क्रियाकलाप होते हैं, जो उसकी थीम होती है, जो पहला पेज एनसीईआरटी बुक खोलने के बाद जो शुरुआत के 2 पेज होते हैं 3 पेज, वो लोग कभी खोल के पढ़ते ही नहीं, उसकी भी भूमिका होती है आपके सिलेक्शन में। वहां से भी सवाल झोला भर भर के आएंगे और आपके सामने प्रत्येक व्यक्ति जो बैठा होगा वो एनसीईआरटी का माहिर खिलाड़ी होगा और अपने विषय का विशेषज्ञ भी होगा। तो फिलहाल आप सबको अगर ये सब बातें ध्यान रहेंगी तो इंटरव्यू में अच्छी मार्किंग के साथ आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा कि आप जिस समय इंटरव्यूअर के सामने बैठे होंगे उस समय आप एक शिक्षक के तौर पर होंगे, उससे जितने भी सवाल होंगे आप एक शिक्षक के तौर पर हैं। ये नहीं पूछा जाएगा सीटेट में इतने अंक है तो क्यों है, वो आगे पूछा जाएगा कि भाई सीटेट में इतने अंक है केवीएस में इतने कम क्यों है, तो ये उनके सवाल को केवल ये जानना है कि आपका जो जवाब है वो कितना तत्परता से है। बहुत बार ये होता है कि
इसके लिए पूरी ट्यूटोरियल बनाकर भी हम भी यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे क्रमवार रूप से, स्टेप बाय स्टेप, पहले डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, उनका क्या उद्देश्य होता है। एक जो आपका पहला जो फॉर्म होता है, जिस फॉर्म को भरकर उनके सामने जाते हैं, जो उनके पास होता है DAF कहते हैं, DAF, और इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका होता है, जिसमें हम लोग भरकर इंटरव्यू में प्रवेश करते हैं। शायद शशांक जी ने भी भरा होगा, और वो फॉर्म शायद मैंने जी भेजा था, जी मुझे सर, याद आ रहा है एक बार, जिस समय आपका था इंटरव्यू, तो उस फॉर्म को जो फिल करे जाते हैं, सबसे पहली जो होती है, सारे प्रश्न वहीं से होते हैं। तो कोशिश ये करिएगा, जब प्रश्न वहीं से होने हैं, आप खुद को तैयार कर जाना है, और मैं कोशिश करूंगा कि सभी विषय के, जैसे खासकर उसमें जो कहानी होता है, पद्य शिक्षण होता है, गद्य शिक्षण होता है, और साथ ही साथ कोई कहानी सुना, जिसे इनसे पोएम के लिए कहा गया, जरूरी नहीं आपसे भी पोएम के लिए कहा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कहानी सुनाइए। तो फिर कहानी सुनाने के लिए शुरुआत कहानी से मत करिए, अपनी कहानी शुरू करिए, बताना शुरू कर दीजिए। पहले बताइए, बेटा जंगल जानते हो, जिसमें खूब सारे पेड़ होते हैं, अब तब जंगल की बात है कि जंगल के, क्योंकि जब आप कहानी शुरू करें तो बच्चा आने वाले हर शब्द को उसके दिमाग में उसकी प्रतिबिंब उसकी चित्र बन जाए। जैसे मैंने कहा ताजमहल, आपके दिमाग में चित्र आ गया। मैंने कहा वकील, आपके दिमाग में कोट पैंट पहना वाला व्यक्ति। तो जैसे मैंने कहा लेनी भी दुर्गेश, कहीं ना कहीं मेरा भी चेहरा आपके सामने आ गया, आपने कभी मुझे देखा या कभी हमसे पढ़ा है। जैसे हमने कहा चश्मा, आपके दिमाग में आ गया। तो जैसे हम जेंटलमैन कहते हैं, तो जैसे कोट पैंट पहना हुआ आदमी आ जाता है कि हाँ सर ने पढ़ा था, जेंटलमैन। एप्पल कहा हमने, तो यह ही कॉन्सेप्ट आपके इंटरव्यू में अच्छे स्कोर कराएगी, और आपको आपके माँ बाप का सपना पूरा करने में बड़ा सहयोग करेगी। 6,000 एक बहुत बड़े पद है, 6,500 पद, इसको कम भी नहीं माना। कुछ लोग कह रहे यार 6,000 तो पद है, मुझे लग रहा है मेरे जानकारी में केवीएस के बहुत ज्यादा पद आए हैं, और जो पिछले 10 से 15 साल में अगर देखा जाए तो एक बड़ी पद है, क्योंकि 5 साल के गैप पे आ रहा है, और आपको हर हाल में इसको पूरा करना, अच्छे अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा, ये भी बात मानिएगा, क्योंकि लगभग 8 से 10 लाख फॉर्म आवेदन होंगे, अभी शाम तक डेटा क्लियर हो जाएगा, और उसमें जो शॉर्टलिस्टेड होंगे अच्छे कैंडिडेट आप ही लोग हैं। तो आप एनसीईआरटी के इर्द गिर्द रहिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप आपके साथ सीरीज में जुड़े रहेंगे, क्योंकि मेरी क्लास है। तो हम लोग इस सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं, फिर से हम शशांक जी के साथ एक लाइव इंटरव्यू लेकर आएंगे, और फिर ये देखेंगे शशांक जी उसमें कैसे प्रश्नों का किस तरह से जवाब देंगे, और कोशिश करेंगे शशांक जी से जो इंटरव्यू होगा काफी लंबा करने का, ताकि उनके अनुभव आप लोगों के काम आ सके। शशांक जी अगर आप कुछ कहना चाहें तो कहें, फिर हम लोग इस सेशन को यहाँ पे समाप्त करें, और आप लोग भी वीडियो को शेयर करिएगा, उन सभी लोगों तक पहुंचाइएगा जो केवीएस का आवेदन करके जो डरे समय है, और आपकी ही नौकरी लगी 100% है, क्योंकि पढ़ने वाले को तो नौकरी मिलती है अंत में। शशांक जी आप कुछ कहें, इसी के साथ इस सेशन को समाप्त किया जाए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए अभी समय बहुत है। अभी क्या है कि अभी देखिए 2 से 3 महीना बहुत आराम से, मतलब ये मान के चलिए कि आपका 2.5 महीना है, 2.5 महीना मतलब आपके बहुत दिन बचे हैं, मतलब आपके 80 दिन बचे हैं, और 80 दिन काफ़ी है। मतलब अगर आप डेली जो है 7-8 घंटे पढ़ेंगे, क्योंकि आपको एक फॉलो करना पड़ेगा रूल की, हाँ मुझे केवीएस ही टारगेट है, अगर टारगेट केवीएस है तो मैं केवल एनसीईआरटी पे ध्यान दूंगा। अच्छा, अब एनसीईआरटी में देखिए, अगर आप बुक पढ़ने बैठेंगे तो बहुत सारी बुक्स हैं, आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक ये अच्छा रहेगा कि सर ने भी, क्योंकि अभी नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं सर भी, और सर सर की भी नोट्स अच्छी है, क्योंकि उन्होंने भी एनसीईआरटी प्रॉपर एनसीईआरटी के थ्रू बनवाया है, तो आप उसको भी मतलब ले करके एक अपना मैनेज कर सकते हैं कि आपको कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि कंटेंट बहुत जरूरी है। फालतू चीजें मत पढ़िएगा, नहीं फंसती है, कंटेंट पे बहुत ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, जो क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है, ठीक है, तो सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस उठाइएगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, एडजेक्टिव है, ठीक है सर, एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में उसने पॉजिटिव एडजेक्टिव लिख के दिया है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव से ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको अब एडजेक्टिव सब नहीं पढ़ने, केवल पॉजिटिव एडजेक्टिव अच्छे से पढ़ के जाना है, बाकी समय रहेगा तो आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही उसने प्रॉपर लिख करके दिया है कि टेंस में यही यही टेंस आएंगे, ठीक है, तो ये नोट्स में भी काफी अच्छे से दिया गया, मैंने देखा है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, और बाकी सेल्फ स्टडी पे भी खूब ध्यान दीजिए। क्योंकि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेरे कहने से आप कहने के सिलेक्शन नहीं होगा। अब नोट्स लेके सर के नीचे रखें, सोचें कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो काफी मुश्किल है। नहीं कब होगा तक सर, कब तक पढ़ना आपको ही, कहीं से पढ़िए कंटेंट, लेकिन एनसीईआरटी के कंटेंट को ही पढ़िएगा। और उसके अलावा आप ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप अगर डाउनलोड करेंगे, तो कक्षा 6 से लेके 12 तक के हिंदी और अंग्रेजी दोनों के एनसीईआरटी के नोट्स आपको क्लास वार, विषय वार आपको मिल जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 2 भाषाओं में है, हिंदी और अंग्रेजी। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत होती है कि इंग्लिश मीडियम में नोट्स नहीं प्रोवाइड है, पूरे यूपी की बात करो अगर हम भारत के देखें तो नोट्स आपको नहीं मिलेगा 6 से लेकर 12 तक के, वो भी एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी में 2 एनसीईआरटी होती है, बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा, एक ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी। तो अभी जो मार्केट में मिल रही है वो न्यू एनसीईआरटी है, लेकिन जो प्रश्न भी आते हैं बहुत बड़े प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर नहीं मिलते, कहते सर ये तो सिलेबस के बाहर है, तो ओल्ड एनसीईआरटी है। तो जो सिविल की तैयारी करते होंगे वो खोज कर पढ़ते हैं ओल्ड एनसीईआरटी, जो दुकान पे नहीं मिलती, जो चौराहे पे जो किताब जमीन पर रख के बेचते हैं उनके यहाँ से प्राय मिलती है। तो आप लोग भी अगर आप चाहते हैं तो हिंदी अंग्रेजी में दोनों में कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन सभी के एनसीईआरटी के नोट्स
इलनी भी दुर्गेश कैप में क्लास बार है, वहां पे आप जाकर पढ़ सकते हैं। मैं भी खाली रहता हूँ तो मैं भी उस नोट्स को पढ़ता हूँ, क्योंकि उसको डाउनलोड भी नहीं कर पाएंगे, केवल आप पढ़ पाएंगे। जब भी मौका मिले आप उन एनसीईआरटी को पढ़िएगा। और शशांक जी आपका धन्यवाद, और आप लोग तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू आपका, आपने समय दिया। ठीक है, आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ थैंक यू। लक। फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए इंटरव्यू सेशन के साथ, और आप भी चाहें तो इंटरव्यू के इस सेशन में जुड़ सकते हैं। हो सकता है गांव से हो, शहर से हो, कहीं से भी हो, आप साथ दीजिए, हम आपके परिणाम तक लेके चलेंगे। मेहनत करिएगा, बिना मेहनत के कोई जादू की छड़ी नहीं कोई आपको नौकरी दिला ले। जब तक आप मेहनत करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। इतनी सी भी कमी हो गई तो फिर से अगली भर्ती की तैयारी करना होगा। उम्मीद करते हैं आप इसी में सिलेक्शन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। बस।